Parag Mishra from the BJP in Uttar Pradesh joins us on the phone line there. Mr. Mishra, इस वक्त जो administration कह रही है कि उनके पास doctors कम है, आप मानते हैं कि एक sweeper, एक janitor यहाँ पर injection दे रहा है, operation कर रहा है और जो administration का मानना है वो कह रहे हैं doctors कम है? Administration जो इस बात की बात कह रही है, मैं समझता हूँ कि आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ समय भी उनके अंदर संवेदनशीलता का अभाव है। नहीं तो इस प्रकार से जिस ढंग से चपरासी इंजेक्शन दे रहे हैं, जिस मरीज को दे रहे हैं, उस मरीज की क्या दुर्दशा होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर की कमी है यह बात बोलकर उन्होंने पूरे प्रशासन की धज्जी उड़ा दी है। अब क्या एक्शन लेंगे अभी? मैं तो ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है, इससे लग रहा है कि शासन और प्रशासन की कोई साख नहीं रह गई, कोई इकबाल नहीं रह गया है और इसलिए अब ये शासन करने योग्य सकते नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की हालात अगर बनी रही तो पूरे प्रदेश भर में अस्पतालों में बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, मरीज जाना बंद कर देगा और मरीज जाना बंद कर दिए है। कितनी महंगी दवाई हो गई, चिकित्सा हो गई है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अस्पतालों में अगर ऐसी दुर्दशा बनी रही तो बड़ी भयंकर स्थिति होगी और इसका बिल्कुल सीधे सीधे आरोप राज्य सरकार पर जाएगा, प्रशासन पर जाएगा। पैरा मेडिकल जो इंप्लॉइज हैं उनको भी इसमें लाना चाहिए, वो असिस्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पैरा मेडिकल इंप्लॉइज का तो सवाल नहीं खड़ा होता। यहाँ तो सीधे चपरासी जा रहा है जिसे कुछ पता नहीं है। Okay, Kalraj Mishra of the BJP promising action against the shocking story here on India Reports tonight.